ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लिख लो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो इसका सिंबल होता है जैसे दो वेक्टर से अगेन, है ना, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनको मुझे क्रॉस करना है। तो पहले इसका सिंबल ऐसा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको मैं डिफाइन किस तरीके से कर रहा हूँ वो सुनो, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और साथ में एन कैप। तो एक तरह से ए बी साइन थीटा एन कैप, हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। अगर तुम पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा ही नहीं, जैसे थोड़ा वेट भी कर सकते हो, मैंने लिखा है तो बताऊंगा। देखो बना लो, लिखो भाई एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज यूनिकली डिटरमिंड बाय राइट हैंड रूल। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमिंड बाय राइट हैंड रूल, है ना। अब बहुत कुछ लिख लिया, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो पहले तो ये ए बी साइन थीटा, ये तो सिंपल है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ऐसा क्यों डिफाइन करा है, उसका फिजिकल मीनिंग भी हम आगे जाके देखेंगे ना। अभी तो मेरे पास फ्री टाइम है, मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसका क्या फिजिकल मीनिंग बनता है वो आगे चल के देखेंगे अपन। पहले तो एन कैप को समझते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, टू डायमेंशन में जवाब देना, अभी बोर्ड है ना, बोर्ड ही पूरी दुनिया है हमारी, इसके बाहर उसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसे कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, बताओ। अरे दो है भाई, ऐसे तो मतलब बहुत सारे हैं, पर डायरेक्शन ए वेक्टर के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन एक ही है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में हो जाएगा वेक्टर। हाँ तो भाई वो डायरेक्शन बताओ जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर तो यही है, एक ही पॉसिबल है। तो एक वेक्टर ऐसे बना सकते हो ऊपर के डायरेक्शन में, एक नीचे बना सकते हो, जो भी इस लाइन पे ही होंगे, इस लाइन पे जो वेक्टर्स लाई करेंगे वही सिर्फ ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, सही है गलत? ठीक है, अब मैं पूछूं भाई ऐसा डायरेक्शन बताओ जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई ऐसा डायरेक्शन बताओ जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, एग्जिस्ट करता है क्या बोर्ड के प्लेन पे? पहले ये समझ में आ रहा अच्छे से, अगर मैं ऐसा वेक्टर ढूंढने निकल जाऊं जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, तो वो इस प्लेन में कहीं भी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। अगर वो ए के परपेंडिकुलर होगा तो बी पे नहीं होगा, अगर बी के परपेंडिकुलर होगा तो ए पे नहीं होगा। तो मतलब जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं उस प्लेन में तो ऐसा वेक्टर पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा है एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे क्या ऐसा वेक्टर चाहिए था जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो हमने देखा कि वो वेक्टर मुझे इस प्लेन में तो मिल ही नहीं रहा है। तो चलो 2D से अपन 3D में चलते हैं ना, अब वर्ल्ड के अंदर भी दुनिया है और वर्ल्ड के बाहर भी दुनिया है, 3D में बात करते हैं। तो मैं बोलूं 3D में ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट। ये पूरा का पूरा प्लेन इंडीड, समझ रहे हो, इस प्लेन में ऐसा वेक्टर बनाओ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ कैसे भी बना लो, ये सारे के सारे वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, समझ में आ रहा है? एक लाइन के परपेंडिकुलर पूरा प्लेन होता है। जैसे मैं ये लाइन बोलूं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, ये तो तुम्हारी सीलिंग है, फ्लोर है, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है ना। अरे आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन हो गया, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन हो गया ना। अब मुझे ऐसा चाहिए जो इसके भी परपेंडिकुलर हो इसके भी परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। तो इन दोनों का सोचो, ऐसा एक प्लेन इमेजिन करो दिमाग में और एक ऐसा करो, ये सिर्फ इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो
इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करना, दो कॉपी ऐसे करके देखो, है ना, दो नोट्स हैं, सोचना ऐसी लाइन आएगी, है ना, दो प्लेन का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो वेक्टर कैसा होगा, या तो वो वेक्टर इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये समझ में आ रहा है। अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो वो ऐसा हो सकता है, दूसरा वो ऐसा हो सकता है। ये आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब हम इसको एम्बिग्यूस तो सोच नहीं सकते, छोड़ सकते इसको एम्बिग्यूस कि भाई या तो बाहर ले लो या अंदर ले लो, हमें तो प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है ना। तो फिर हमने बाई कन्वेंशन एक राइट हैंड रूल बनाया है, हम उस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली चीजें डिफाइन करेंगे अब, ठीक है। तो राइट हैंड रूल अब तुमको बताएगा कि वो बाहर होगा या फिर अंदर होगा। तो राइट हैंड रूल क्या होता है वो पढ़ते हैं, अभी जो नोट लिखा वो क्लियर है, ठीक है। तो राइट हैंड रूल भाई ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट हैंड रूल बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग होना चालू हो जाएगी। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले देखने को मिलेगा डायरेक्शन निकालना, चीजें घूमेंगी, फिर रोटेशनल में बहुत यूज आएगा, टॉर्क निकालने में, एंगुलर मोमेंटम निकालने में। उसके बाद जैसे ही हम बताए ट्वेल्थ में जाएंगे तो भाई डाइपोल पे टॉर्क निकालने में काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जगह आने वाला है। और उसमें सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी फेस करते हैं वो इसी में करते हैं कि इसको भाई राइट हैंड रूल बहुत आसान चीज है, मतलब इसको समझने में आधा मिनट भी नहीं लगता। तो एक काम करता हूँ, राइट हैंड रूल अपन कल पढ़ेंगे ना, अभी समय अपने पास इतना नहीं बचा है, कल अपन डिटेल में इसको खत्म कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और कल ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे ना। हो सकता है मैं काइनेमेटिक्स एनएलएम भी स्टार्ट कर देना, कुछ भी कर सकता हूँ, देख लूंगा कोई।